बिल्कुल खस्ता हालत है, इसमें एक पैदल बच्चे दो दो किलोमीटर स्कूल के लिए जा रहे हैं, ना ये हॉर्न दे रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं, अगर इनको बैक करने का भी तरीका नहीं है। इस वक्त यहाँ पर तकरीबन हजारों लोग देख रहे हैं कि किस जगह पर, किस अच्छी जगह पर इसने यहाँ पर ये हादसा किया है। मैं डीसी साहब से भी अपील कर रहा हूँ कि बरस रोड पर दो जगह पर नाका होना चाहिए। सबसे पहले इन ड्राइवरों को लाइसेंस चेक किया जाए। ऐसा नहीं मैं हम या उसमें टिप्पर वाले होंगे या मेटाडोर वाले होंगे या ये छोटी गाड़ियाँ हैं, जो बाइक चलाता है उसका लाइसेंस भी देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो उसको खुद पता नहीं है मैं कहाँ से चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये सब मैं अपील कर रहा हूँ कि ऐसे हादसे आज तक पता नहीं कितने हुए हैं, मगर हम देख रहे हैं। मैं एज ए नायब सरपंच पंचायत उद्यानपुर से बोल रहा हूँ, जितनी बार मैं गाड़ी में आ रहा हूँ वहाँ पर कोई इंस्पेक्टर होता है, कोई हवलदार होता है, कोई पुलिस वाला होता है, कोई क्या कहे इसमें ट्रैफिक वाला होता है, उसको 200 रुपये जेब में डालते हैं, 50 सवारियाँ होती हैं गाड़ी पर, कोई नहीं देख रहा है। और बाद में रहा ये इनको मैं एक बात बताऊंगा कि फारूक साहब से इंटरव्यू किया गया था, क्या आप बताइए इस दुनिया में आपको किस डर है, कहते हैं मैं टिप्पर वाले से डर रहा हूँ। मगर ऐसा साहब का चीफ मिनिस्टर भी कह रहा है, मगर हमें ये मालूम नहीं है कि ये ऑफिसर साहिबान अगर इन्होंने हमारी जिंदगी 100 रुपये में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, वो 500 पकड़ कर इनको छोड़ देते हैं, ना कोई चेकिंग है ना कुछ है। अब मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहा हूँ कि या तो इसमें ये वो क्या कहते हैं इसमें क्या इंटरेस्ट ले, वरना हमारे जान क्यों जाया हो रहा है। इस वक्त ऐसे हजारों लोग इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसा परेशान हो रहे हैं, ये हादसा कैसा हुआ है कि बेग गाड़ी उसने लाई है, पीछे से नहीं देखा है कि पीछे से मत भी गाड़ियाँ हैं। आप देखिए कि हजारों गाड़ियाँ चल रहे हैं, अगर ब्रेक करने वाले ड्राइवर को पहले हॉर्न मारनी चाहिए, फिर देखना है कि मुझे पीछे मत गाड़ियाँ हैं। एक बाइक नहीं, अगर इसके पीछे 100 बाइकें भी होंगे, उसने 100 के 100 खत्म कर देते थे उधर उसी वक्त। और मैं ये कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा क्या इंक्वायरी किया जाए, और ये ट्रैफिक वालों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो दो नाके रखें, एक उद्यानपुर पर दाली उद्यानपुर में रखें, एक उधर रखें। चलो हम देखेंगे कि अगर वहाँ 100 रुपये पर छोड़ेंगे, या मुझे उम्मीद है यहाँ पर 200 रुपये पर छोड़ देंगे।